की महिलाओं के इतने बात नहीं करते। मोदी जी आप अंकल कब से बन गए हम लोगों के? आप देखते होंगे कि किसी महल्ले में अंकल होता है, अंकल का काम कुछ नहीं होता, बैठे रहते खाली, बेचारा मारे चाहे कुत्ता मारे। अच्छे दिन की बात करने वाले कहां गए, बुरे दिन ही आ गए पूरे। नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो। और फिर ये हां फेंकू है मानो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम एक नया कानून ला रहे वजीर आजम के बच्चियों की शादी 18 साल में नहीं 21 साल में होगी। बच्चियों की शादी 18 साल में नहीं 21 साल में होगी। अब आप बताइए 18 साल के कितने लोग हैं यहां पर, हाथ उठाओ। यानी अब आप वोट डालेंगे ना, आप अपने पसंद के विधायक को वोट डालेंगे ना। और कानून आपको इजाजत देता है बिजनेस आप शुरू कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते। अब कानून ये भी कहता है कि अगर तुम्हारा दिल चाहा तो तुम किसी एक लड़की के साथ जिंदगी भी गुजार सकते, गुनाह नहीं है कानून में, गुनाह नहीं है। और कानून यह भी कहता है कि अगर तुम उससे ताल्लुकात पैदा करना चाहते हो, जिसका अंग्रेजी का वर्ड कह रहा हूं सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो भी कर सकते, ये सब कर सकते। मगर मोदी जी बोले शादी नहीं कर सकते। हाय मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से आपको इतनी घबराहट क्यों है? 18 साल में वोट डाल सकते, 18 साल सुनिए, 18 साल में कोई ये तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा उसको मालूम, किसको मेरठ में वोट डालना उसको मालूम, किसको नहीं डालना उसको मालूम, किसको हराना उसको मालूम, कौन दल्ला है उसको मालूम, कौन जमीर फरोश है उसको मालूम, कौन मिल्लत का कौम का दुश्मन है उसको मालूम। मगर लड़की को भी मालूम, लड़के को भी मालूम, दोनों को मालूम। मगर मोदी जी बोले शादी 21 नहीं करना। अब आप बताइए क्या कर रहे हैं? अच्छा एक और कानून बनाने जा रहे हैं 18 से 21 साल का, मगर डेटा प्रोटेक्शन यानी आपका जो सेलफोन है इसमें जो डेटा होता है, कानून मोदी जी ये बनाने जा रहे हैं कि अगर आप 18 साल के हैं तो अपना डेटा आप एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी वो 18 साल में अपना डेटा एक्सचेंज करेगा मगर अपने पसंद से लड़की शादी नहीं करेगी। मोदी जी शादी करने का अख्तियार नहीं है क्या? डेटा दे सकते, एक्सचेंज करेंगे मगर शादी नहीं कर सकते। तो बोलेंगे बीजेपी वाले आज के भाषण के बाद ओवैसी और मुसलमान महिलाओं के हित में नहीं बात करते। बोलेंगे ये आए मुसलमान और ओवैसी महिलाओं के हित में बात नहीं करते। मोदी जी आप अंकल कब से बन गए हम लोगों के? आप देखते होंगे कि किसी महल्ले में अंकल होता है, अंकल का काम कुछ नहीं होता, बैठे रहते खाली, बेचारा मारे चाहे कुत्ता मारे। अंकल बोलते वहां क्यों जा रहे तुम? अंकल हर चीज पूछते, क्या खाए, क्या पहना, आज इतनी रात देर से क्यों आए। अब ये अंकल कह रहे हैं कि शादी भी कब करना, क्या खाना तो शुरू हो चुका है, ये नहीं खाएंगे वो खाना चाहिए, ये इबादत करना चाहिए वो इबादत नहीं करना चाहिए। अब ये पूरे बीजेपी के लोग अब शुरू हो जाएंगे टीवी पर 6 बजे से देखना आप, हमारा भड़काव भाषण अब हो गया। अब बोलेंगे ओवैसी महिलाओं के औरतों पर जुल्म करता है। अरे पहले ये तो बताओ, पहले ये तो बताओ, जब 18 साल में लड़की वोट दे सकती है तो क्या उसको नहीं मालूम किससे शादी करना नहीं करना? और इस्लाम में जब तक बच्ची की रजामंदी नहीं है शादी नहीं होती, जब तक बच्ची
मंदी राजी नहीं होती, रजामंदी नहीं होती, मगर ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं पूरे देश के नौजवानों का मसला। हर मेरा मानना ये कि 18 साल का नौजवान, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मैं रोज इनसे सीखता हूं कई चीजें। वो मुझे बताते कि देखो ये टेक्नोलॉजी है, इस तरह से आप काम करो फायदा होगा। हम इनको बच्चा नहीं समझना चाहिए। अच्छा मोदी जी, आपकी सरकार ने इन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया आपने? तो बीजेपी वाले बोलेंगे मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या था? पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि 436 करोड़ इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को दिया गया, जिसमें से माशाल्लाह नरेंद्र मोदी की सरकार ने मोदी की तस्वीर का ऐड देने के लिए 80% पैसे खाली मोदी की तस्वीर में खर्च दिए कि मोदी जी का ऐसा पोज, कभी इसका हाथ रख रहे हैं, कभी वहां हाथ रख रहे हैं। यानी 446 करोड़ में मीडिया को इश्तिहार 79% चला गया। अच्छा फिर ये बोलेंगे नहीं ओवैसी महिलाओं के खिलाफ है। मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं। अगर हमारे घर का हाल आपको मालूम होता तो आप ये बात नहीं करते। हम यहां पर भड़काव भाषण दे सकते, घर में गए तो गूंगे हो जाते अपने सामने, उनके सामने। अब आपको मालूम होगा कि महिलाओं का भारत में काम में, वर्क में, लेबर फोर्स में, वर्क पार्टिसिपेशन में 2005 में 26% महिला काम करती थी। मोदी जी 2020 में सिर्फ 16%। क्यों कम हुआ? क्यों कम हुआ? इसके पास इनका कोई जवाब नहीं। और फिर ये बोलते नहीं वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। सुनो बीजेपी वालों, हम जानते हैं, हम थोड़ा पढ़ लिख कर आए। अमेरिका में एक प्रदेश है जहां पर बच्चियों को 14 साल की उम्र में शादी की इजाजत है, 14 साल की उम्र में। बर्तानिया में, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल की उम्र में शादी की इजाजत है, न्यूजीलैंड में 16 और 19 साल के दरमियान में मां बाप राजी है तो शादी हो जाती है। और भारत में 18 साल में तो मोदी को वोट दे सकती है हमारी बेटियों, मगर तुम पसंद से अपनी शादी नहीं करोगे। अच्छा फिर ये बीजेपी वाले हमारे को बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी जो है बच्चों को ज्यादा पैदा करने के लिए मुखालिफत कर रहा हूं। ये बोलते हैं ना, आपको मालूम कि इनसे पूछिए टीएफआर क्या होता है ये संघियों से। हम एक टीवी प्रोग्राम में थे, रिकॉर्डिंग में थे, तो वहां बीजेपी के बड़े नेता बैठे थे। हमने कहा बताओ उत्तर प्रदेश में टीएफआर कितना है? बोले वो क्या होता? उत्तर प्रदेश में टीएफआर गिरा है सबका। यानी अगर आज 100 लोग पैदा हुए तो क्या उतने लोग मर रहे? तो जितने पैदा हो रहे उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा लोग मर रहे, उसको टीएफआर समझाने के लिए मोटा मोटा। टीएफआर गिरा है इनको पता ही नहीं है। भारत में टीएफआर गिरा है और ये बार बार ये बीजेपी आरएसएस वाले बोलते बच्चे बहुत फायदा हो रहे, तो बच्चों का कानून बना, बना दो बच्चों का कानून देखेंगे, बनाओ। सुप्रीम कोर्ट में जाकर मोदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि माय लॉर्ड, भारत में दो बच्चों के कानून की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आबादी में टीएफआर आ चुका है। पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है। 60% से कम उम्र आबादी हमारे 40 साल से नीचे की है। भारत के वजीर आजम ने, भारत की सबसे बड़ी ताकत ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया नहीं बना सकते कानून। अब बोलेंगे नहीं नहीं बच्चियों को टाइम मिलना चाहिए बच्चे पैदा करने में। अरे तुम कौन होते डिसाइड करने वाले? वो बैठ के डिसाइड करेंगे कब पैदा करना नहीं करना। तो बोलेंगे नहीं पढ़े कैसा होगी? अरे तुमने कौन सा कॉलेज खोला बताओ यूपी में? महिलाओं के लिए कौन सा कॉलेज खोला? क्या किया तुमने भारत में बताओ? कुछ नहीं किया।
सिर्फ कानून बना।